हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ एक अपडेट। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है। आज जो नोटिफिकेशन मैं लाई हूँ वो है श्याम लाल कॉलेज की वैकेंसी। तो चलते हैं और देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पर दिया हुआ है SLC यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली श्याम लाल कॉलेज। तो ये स्टार्ट हुई है वैकेंसी 22/10/2019 से और इसका लास्ट डेट 28/11 यानी कि इस महीने की 28 तारीख तक आप भर सकते हैं। आप चाहे तो www ये इसका साइट दिया हुआ है slc.du.ac.in से ऑनलाइन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स, या फिर ये एक दिया हुआ साइट, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। ये फॉर्म सब ऑनलाइन हमें फिल करने हैं। इसके बाद इसका आगे डिटेल देख लेते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसमें जो पोस्ट आई है ये पोस्ट है बॉटनी की और केमिस्ट्री की 7, फिर कॉमर्स की 19, कंप्यूटर साइंस की 4 है, इकोनॉमिक्स की 5 है, इंग्लिश की 4 है, हिंदी की 6, मैथ की 6, फिजिक्स की 8 और पॉलिटिकल साइंस की 10, हिस्ट्री की 1। तो टोटल 72 पोस्ट हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप इसमें अप्लाई कर दें। और इसमें मैं फ़ीस डिटेल आपको दिखा देती हूँ। ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज कॉलेज। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, वैसे ज़्यादा बेटर होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। वो जो स्टार्टिंग में मैंने साइट आपको दिखाया है उसके थ्रू जाकर पूरी डिटेल में इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। इसमें जो फीस डिटेल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ फीस की डिटेल दी हुई है। फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप जनरल में हैं, OBC और EWS हैं तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST ये कैटेगरीज, सॉरी यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है, और वुमेंस के लिए ये फ्री किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं। अगर आपने नेट किया है या PhD किया है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्कोर दिया हुआ है कि आपने का ग्रेजुएट में अगर कितना है उसके हिसाब से आपका ये स्कोर कंप्लीट होता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये PhD अगर आपने किया है तो 25 नंबर मिलेंगे, अगर नेट JRF है तो 10 नंबर, केवल नेट है तो 8 नंबर। इस तरह से एक इन्होंने स्कोर का क्राइटेरिया बना दिया है। तो ये आप चेक कर लीजिए इसकी साइट पर जाके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।